नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप अच्छे होंगे, है ना? बहुत बढ़िया बेटो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चों। और आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, नादान दोस्त। इसकी व्याख्या हम लोग आपको पहले करा चुके हैं बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आज, इनका सॉल्यूशन है इस चैप्टर का वो आज हम आपको कराएंगे बच्चों। और इस कोरोना काल में बच्चों आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा के रहना है, और बच्चों हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और हैंड वॉश भी आपको करते रहना है समय समय पर, है ना? तो इस तरीके का बच्चों आपको सबसे पहले हम लोग आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और इनको आपको बच्चों अपनी कॉपी पर भी नोट करना है ना? कॉपी पर नोट करना है और आराम से आपको लर्न भी करने हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना बच्चों? यह है नादान दोस्त चैप्टर 3 है सिर्फ क्लास 6 का। इससे पहले के जितने भी दो दो चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने नहीं किए हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चनों को पहले करें आप। जो चैप्टर 1 और 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने आपको करा रखे हैं सॉल्यूशन, उनको पहले करना है, उसके बाद 3 चैप्टर को करना है बच्चों। और इसके आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पहले कहानी से, मतलब जो हमारी कहानी है ना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों होते थे? यानी कि जब अंडे उन्होंने देख लिए थे तो उनके मन में कौन कौन से सवाल आते थे उनके बारे में है क्वेश्चन। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल उठते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा पहले नहीं कभी नहीं देखा था। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे बच्चों, क्योंकि उन्होंने कभी भी पहले इससे पहले अंडे नहीं देखे थे और अंडों के बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी। तो उन अंडों को देख के उनके मन में सबसे पहले उन अंडों को जानने के बारे में, उन अंडों के बारे में जानकारी लेने की जिज्ञासा जागृत हुई थी बच्चों, इसलिए उनके मन में ऐसे सवाल आ रहे थे। दूसरा नंबर का आंसर है आप देखो बच्चों कि दो अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली क्यों दे दिया करते थे बच्चों। देखो उनके जो सवाल जवाब थे दोनों आपस में ही एक दूसरे को आंसर दे देते थे, एक दूसरे क्वेश्चन कर लेते थे। केशव और श्यामा दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनसे प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। यानी कि उनके जो प्रश्न थे बच्चों उनका आंसर देने वाला उनके पास कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने और लिखने से। तो इस तरीके से उनके जो मन के जब जवाब थे, उनके मन के जो क्वेश्चन थे बच्चों, उनको जवाब कौन देगा? तो इसलिए वो दोनों आपस में भी अपने क्वेश्चनों को करके उनके जवाब दे दिया करते थे। श्यामा थी वो अपने क्वेश्चनों का आंसर दे देती थी और उनका जो भाई था वो उनको दे देता था। इस तरीके से वो दोनों आपस में भी क्वेश्चनों को करके जवाब दे दिया करते थे बच्चों। देखो अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, ये जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उससे ने ऐसा क्यों किया? यानी कि उन दोनों ने, श्यामा ने क्या कहा था और ऐसा मम्मी ने पूछा था कि तुमने अंडों को छुआ होगा यानी टच किया होगा इसलिए, तो फिर श्यामा क्या जवाब देती है उसके बारे में पूछते हैं। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है यह बच्चों आपका, माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा भैया ने अंडों को छेड़ा था, क्योंकि उसे लगा भैया ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े हैं, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरीका से उसने बताया था, माँ ये भैया ने इन अंडों को छीया था, टच किया था और छेड़ा भी था, इन्होंने इसको करा था और इसलिए उनको उसको ऐसा लगता था श्यामा को कि शायद भैया ने इस अंडों को सही तरीका से नहीं रखा है इसलिए गिर गए हैं और इसलिए फूट गए हैं, तो इस भाई को भी सजा मिलनी चाहिए। तो बच्चों देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों को क्या हुआ? यानी कि अंडे गंदे कैसे हो गए और उन अंडों का फिर क्या हुआ था बच्चों? तो देखो केशव ने के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए, इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया और चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और वे बर्बाद हो गए बच्चों। तो इस तरीका से जो अंडे थे, जो चिड़िया के अंडे थे, उन्होंने केशव ने उनको छीन लिया था इसलिए वो क्या नहीं किया, उनको टच कर लिया था, चिड़िया ने उनको सेया नहीं यानी कि उनको गर्म नहीं किया, बॉयल नहीं किया जैसे बच्चे निकलते थे, तो वो बच्चों उन्होंने सेया नहीं उनको और सेने की वजह से उसमें अंडे नहीं निकले और उन्होंने फिर चिड़िया ने उन अंडों को क्या कर दिया, फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, गिरा दिया था उन बच्चों को, है ना बच्चों? तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन थे, इनके हम लोगों ने आंसर कर लिए हैं। देखो 5वां क्वेश्चन देखो, सही उत्तर क्या होगा, इसमें से हमें उनको छांट के लिखना है। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि माँ, उसका आंसर देखो इनमें है अपना ग नंबर का है,
माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। माँ नहीं चाहती थी कि वे कहाँ पर घूमें, बाहर धूप में घूमें। बच्चों देखो 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम। बच्चों केशव और श्यामा चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन बातों का ध्यान रखा था। चिड़िया ने और श्यामा ने चिड़ियों को अंडों की देखभाल के लिए किस चीज़ का ध्यान रखा था बच्चों? तो केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए उनके आराम का, धूप से बचने का, खाने का ध्यान रखा। आराम से कपड़ा बिछाया, धूप से बचने के लिए टोकरी से ढक दिया और खाने के लिए पास में ही दाने और पानी की प्याली रखी हुई थी बच्चों। तो उन्होंने उनको खाने का, यानी कि केशव और श्यामा ने उन चिड़ियों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम किया था? धूप में आराम से रखने का, धूप से बचने का भी रखा था, खाने का भी रखा था, पीने का भी रखा था बच्चों। और इस तरीके का जो उन्होंने जो खाने पीने की जो व्यवस्था की थी, टोकरी से उसको ढक दिया, कपड़े पर लगा के उसको रख दिया था। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से ही उसे खाने पीने का भी इंतजाम, पानी पीने के लिए और दाना खाने के लिए भी रखा हुआ था बच्चों। तो अब हम लोग 7th क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा में जो कल्पनाएं आई, उन्हें चोरी छुपके छुपके तो जो कुछ कार्य किए भी उचित थे, तर्क सहित लोग लिखना है बच्चों। तो यानी कि श्यामा ने और केशव ने जो काम धंधे किए थे, क्या वो उचित थे, कल्पना करके अपने आप को लिखना है क्या उन्होंने जो लिखा था यानी किया था काम, वो सही था या गलत था। कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव श्यामा के मन में जो कल्पना आई थी, उन्हें चोरी छुपके से जो कुछ भी कार्य किए वे उचित थे। वे मदद तो करना चाहते थे परंतु उनके पास जानकारी का अभाव था, इसलिए उन्हें जितने भी कार्य किए वो गलत थे। यानी कि वैसे तो वो जो उन्होंने जो काम किया था वो बढ़िया था, लेकिन उनको क्या था, जानकारी का अभाव था। उन्होंने अंडों को टच कर दिया था, यदि वो अंडों को टच नहीं करते तो शायद अच्छा हो जाता। तो उन्होंने जो काम किया था वो गलत था, लेकिन वो काम गलत इसलिए था क्योंकि उनको जानकारी का अभाव था बच्चों। पाठ के मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई और तुम्हारी समझ में माँ को क्या करना चाहिए था। माँ को बच्चों की नादानी और अज्ञानता पर हंसी आ गई थी। ऐसी समझ में माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था ताकि वो भविष्य में इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहें। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे 8th चैप्टर के क्वेश्चन हैं, मतलब चैप्टर 3rd के क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन उनको हम लोगों ने आपको बताया है बच्चों। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बच्चों इनको। देखो तो पहला क्वेश्चन ये हमारा है ना, इसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देखो बच्चों यहाँ पर है।